हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ भिंडी की सब्जी रेसिपी। तो ये मैं 500 ग्राम भिंडी ली हूँ, इसको धो के अच्छी तरीके से मैंने सुखा ली है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। इसका दोनों साइड का पोर्शन आगे और पीछे का मुझे काट के हटाना है इस तरीके से, और पीछे वाला पोर्शन ऐसे छोटे छोटे पीस में कट करना है। इस तरीके से कट करेंगे, इस तरीके से हम सारे कट कर लेंगे। ये मैंने सारे भिंडी काट लिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज और ये 4 मिर्च ली है। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरीके से चॉप में हम कट कर लेंगे प्याज को। इस तरीके से मैंने प्याज और मिर्च को कट कर लिए हैं। तो चलिए गैस पे कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई गरम होने देते हैं। कढ़ाई गरम हो गई है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। मैं सरसों तेल का यूज कर रही हूँ, इससे खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए अब तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुकी है, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च ऐड करेंगे। और इन्हें मिक्स करके हल्का, यानी ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है, तो हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई करना, बस कलर चेंज होने तक। प्याज का कलर चेंज हो गया है, मुझे ऐसे ही चाहिए था। तो चलिए अब इसमें भिंडी को डालते हैं और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने मिक्स कर लिया, अब इसे मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए। एक से दो मिनट हो चुकी है, अब चलिए ढक्कन हटा कर देखते हैं। कढ़ाई में इसमें स्वाद अनुसार नमक, मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। इसे ढक देती हूँ, फिर बीच बीच में चेक करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो चलिए इसी तरह बनाते हैं।
भिंडी से तेल ऊपर आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि भिंडी बनकर तैयार हो रही है। भिंडी अच्छे से पक चुकी है, अब इसमें गरम मसाला डालूंगी। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सब्जी को ढक के सेट होने देते हैं। सब्जी सेट हो चुकी है, तो चलिए अब इसे हटा के सर्व करते हैं। हमारी ये भिंडी की रेसिपी कैसी लगी बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।